हेलो दोस्तों, मिल चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। हम लोग आज इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे, जो कि आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट। देख सकते हैं फोस्टर का है, हम लोग का ड्रिल टूल वगैरह सब है इसमें। देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ है। इसको साइड कर देते हैं डब्बा को और पूरा निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। देख सकते हैं पूरा सूटकेस मिल जाता है दोस्तों, पूरा टूल किट के साथ। देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसमें। देख सकते हैं पूरा सूटकेस के साथ मिल जाता है, इधर देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको भी हटाते हैं कवर को। तो इसके बाद हम लोग को दो लॉक की मिल जाता है, इसको अनलॉक करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका सूटकेस के अंदर कितना सारा टूल है। देख सकते हैं काफ़ी सारा टूल है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वालिटी में। और ये देख सकते हैं हम लोग को एक वारंटी कार्ड मिलता है। देख सकते हैं वारंटी कार्ड और 6 महीने का वारंटी कार्ड है। और देख सकते हैं ये कैची का फॉर्म है इसमें दिया गया है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ ड्रिल मशीन का पूरा सेट है और टूल किट है, सब देख सकते हैं। हैमर है, हेक्सा ब्लेड है, लेवल नापते हैं वो भी है, ड्रिल बिट है। तो सारा किट आप लोग को इसमें सूटकेस में मिल जाता है। देख सकते हैं एक बड़ा ड्रिल बिट भी मिल जाता है, वाल या आप लोग कोई दीवार में अगर छेद करना चाहते हैं। टूल देख लेते हैं कौन कौन सा है। देख सकते हैं ड्रिल मशीन भी हम लोग का हैवी, एकदम लाइट वेट हुई है। तो इसको पहले रख लेते हैं और उसके बाद आप लोग को शुरू से आप लोग को पहले ये साइड वाला का आप लोग को एक तो वीडियो सबका एक एक वीडियो बनाया जाए। देख सकते हैं इतना सारा कुछ है और क्या क्या मिसिंग होता है आप लोग को सब बता देते हैं। देख सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोग को मिलता है ये इसमें एक स्क्रू लगा हुआ रहता था, वो देखिए स्क्रू ड्राइवर, इस मतलब कि इसमें लगा देते थे और इसमें टाइट करते थे। इसमें स्क्रू ड्राइवर होल्डर हम लोग को नहीं दिया गया है स्क्रू ड्राइवर होल्डर हम लोग को इसमें नहीं दिया गया है, जो कि आप लोग को स्क्रीन में देख सकते हैं ये वाला स्क्रू ड्राइवर। तो ये बहुत डिसएडवांटेज या फिर कुछ मिसेज लगता है, मिस हो गया इस प्रोडक्ट में। तो देख सकते हैं ये वुड कटर का भी हम लोग का क्वालिटी एकदम ठीक ठाक एकदम दिया नहीं है। देख सकते हैं ब्लेड इसका अच्छा नहीं है, ये पीवीसी कटर वाला दे दिया है हम लोग को, वुड कटर वाला है नहीं ये। तो यहाँ पे स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं इस तरह वाला हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को इस तरह वाला का दे दिया है। तो उसके बाद और सब का क्वालिटी एकदम ठीक ठाक है। देख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हीलिंग कटिंग व्हीलिंग सब का सब हम लोग को दे दिया है, ऑल एसेसरीज। और इसके बाद हम लोग को बाय वन बाय आप लोग को टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि जितना हो सके मैं अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। और देख सकते हैं ये हम लोग का लेबल, देख सकते हैं मतलब कि वॉल में आप लोग कुछ भी अगर लगाते हैं तो उसमें अप डाउन लगा रहता है, इसीलिए देख सकते हैं मैं यहाँ पे सीढ़ी का जो रील होता है उसमें आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ कि ये तरह हम लोग इस पर नापते हैं। और अगला देख सकते हैं हम लोग का यहाँ रेंच एक मतलब मिल जाता है, स्लूप में ही आप लोग को दिखा दिए कि स्क्रू जैसे आप लोग को टाइट करके ऐसे निकाल लेना है।
बड़ा या फिर छोटा हो छोटा कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग का ये एक स्कूटी का मिरर है जो कि हम लोग का ढीला हो गया है, तो इसी को हम लोग आपको टाइट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं जितना हो सके उतना आप लोग एडजस्ट करके इसको स्क्रू में एडजस्ट करके लगा दीजिए, उसके बाद आराम से टाइट कर दीजिए। देख सकते हैं पूरा फुली टाइट हो गया है हम लोग का, और ये हो गया देख सकते हैं एक थोड़ा भी नहीं। और अगला देख सकते हैं ये मिनी हैमर हम लोग को मिल चुका है, तब इसका भी हटा लेते हैं कवर वगैरह और इसका भी टेस्ट ही करते। देख सकते हैं मेरे पास एक हथौड़ा और एक कील है जो कि हम लोग कील को ठोक के इसको अंदर घुसा देते हैं, उसके बाद निकाल के देखते हैं। वह काफ़ी आसानी से निकल गया देख सकते हैं, और एक बार ये अरे तेरी मतलब जोर लगाना पड़ता है ऐसे करके तभी आप लोग का निकलेगा। तो अगला देख लेते हैं, ये हम लोग का सॉकेट सेट है जो कि हम लोग के पास तो स्क्रू ड्राइवर है ही नहीं, तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको साइड में कर दीजिए। तो दूसरा देख सकते हैं ये प्लायर, ये प्लस हम लोग का देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। तो हम लोग ने एक वायर लिया, देख सकते हैं मोड़ लिया, जोड़ लिया, मतलब जैसे भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से हो जाता है। देख सकते हैं अगला प्लायर वो हम लोग का ये नोज़ल मतलब कि नोकीला था, यहाँ हम लोग का एलिगेटर शेप में मिल गया जा रहा है प्लायर। और देख सकते हैं इसमें भी वही सेम काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलिगेटर शेप दिया हुआ है और उसमें थोड़ा नोज़ल उसका मतलब कि क्या बोलेंगे समझ लीजिए। और ये देख सकते हैं कटर हम लोग को मिल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का है देख सकते हैं, और हम लोग इसको काट के भी दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं बढ़िया आसानी से कट जा रहा है ये कटर आपका, ये भी सही है। और दूसरा देख सकते हैं ये हम लोग का भी, ये भी प्लास के रेंज है, हम लोग को पता नहीं है, हम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यहाँ पर आप लोग को देखे इसको नट को आप लोग को ढीला करके और निकाल के दिखा देते हैं, छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये हम लोग का ढीला हो गया, इसको आप लोग खोल के दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि देखिए खुलता है इससे, और इसी से आप लोग को टाइट करके दिखा देते हैं देख सकें। तो टाइट करके आप लोग को दिखा देते हैं, और थोड़ा आप लोग अगर साउंड क्वालिटी में अगर थोड़ा नॉइज़ वगैरह सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मेरे इधर दो दो मंदिर में कंपटीशन का मतलब कंपटीशन चल रहा है, मतलब एक मंदिर में जागरण वो भी कर रहा है चोंगा लगा के, और दूसरे में भी चोंगा लगा के जागरण कर रहा है, तो इसको अवॉइड कर दीजिए अगर आप लोग को साउंड वगैरह आ रहा तो होगा तो। तो ये हम लोग का एक हेक्सो ब्लेड है देख सकते हैं, ये भी हम लोग का अच्छी क्वालिटी में दिया हुआ है देख सकते हैं कट गया। और ये हम लोग का टेस्टर जैसे यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड के अंदर, तो इसमें ये बटन नहीं है, ये हम लोग का मेटल है जो कि टच करेंगे तो एलईडी मतलब कि वहाँ पे कुछ शो होने लगेगा ये हम लोग का। और ये हम की देख सकते हैं हैंडल है जो कि आप लोग ड्रिल मशीन में आप लोग लगा
लगा सकते हैं। और आप लोग को नंबर इसका दिखा देते हैं, थोड़ा जूम फोटो खींच के देख सकते हैं नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया जाता है जो कि इसको प्रेस करने से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो पहले लगा देते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसमें देख सकते हैं आप लोग को यहाँ एक दो मोड दिया जाता है, एक हैमर मोड और एक प्लेन मोड। तो प्लेन मोड में हम लोग किया कर देते हैं तो इसमें आप लोग वुड और मेटल आप लोग इसमें ड्रिल करके छेद कर सकते हैं, और हैमर मोड में आप लोग वॉल छेद कर सकते हैं। तो स्विच को ऑन कर देते हैं और देख सकते हैं तो चालू हो चुका है हम लोग का ड्रिल मशीन, और हम लोग ड्रिल बिट को निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं हम लोग का इसमें लगाने का है, देख सकते हैं इस छेद में, तो आप लगा भी सकते हैं तो लगा लीजिए, हम लगा लेते हैं। तो हम लोग ने इसको लगा दिया और ड्रिल बिट हम लोग देख सकते हैं तीन हम लोग का ड्रिल बिट मिल जाता है, ये वाल को छेद करने के लिए और ये वुड को छेद करने के लिए देख सकते हैं, और ये हम लोग का मेटल को छेद करने के लिए। तो हम लोग पहले वुड को छेद करेंगे, पहले इसमें लगा देते हैं। तो हम लोग का लग गया है और हम लोग का ये रेडी है। तो हम लोग छेद करने के लिए रेडी हैं और देख सकते हैं हम लोग का यहाँ इतना गैप में हम लोग छोड़े हैं ताकि हम लोग का नीचे नहीं जाए। तो पहले हम लोग को प्लेन मोड में ऑन कर लेना है, हैमर मोड में था, अभी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आसानी से छेद हो गया, ये देख सकते हैं एकदम क्लियर होल दिख रहा है हम लोग का। और दूसरा बार हम लोग छेद करते हैं दूसरा होल के, दूसरा होल में और दूसरा होल भी हम लोग का हो गया है इजी। और देख सकते हैं ड्रिल बिट भी हम लोग का मस्त है। और इसके बाद आप लोग को और दूसरा इसको खोल के आप लोग को दूसरा मतलब कि लगा के दिखाते हैं। और भी बहुत सारे टूल हैं जो कि आप लोग का वीडियो बनाने में आप लोग को इस वीडियो पे तो देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो बनेगा, तो हम लोग का वीडियो भी और बनेगा क्योंकि हम लोग को बहुत है जो कि इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं बहुत कुछ। और इसको लगाने के लिए हम लोग को ये मिल जाता है, इसमें हम लोग लगा के इसको कर सकते हैं। और सैंड पेपर के अलावा भी हम लोग को कुछ और अलग मिलता है, देख सकते हैं ये मतलब कि एक दो तीन और ड्रिल बिट भी मिल जाता है, देख सकते हैं। तो लगा लेते हैं इसको, एक दो तीन चार पाँच गो हम लोग को मिल जाता है, देख सकते हैं ये दोनों सैंड पेपर की तरह ही काम करता है, पॉलिशिंग वगैरह, और ये कटिंग और ये भी वुड कटिंग, और ये देख सकते हैं ग्राइंडिंग वाला हम लोग को। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये सब का यूजेस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। हमारे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलता है, तो नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल जरूर रखिए।